आज मैं आपको ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। आपने बहुत से जानवरों के बारे में सुना होगा। भेड़िया वाहद ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है, और ना ही भेड़िया ना महरम मुअन्नस पर झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलफ। भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपने शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि इसके अलावा किसी और मुअन्नस से ताल्लुक कायम नहीं करता, और इसी तरह मुअन्नस भेड़िए के साथ भी वफादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है। इसकी वजह यह है कि इसके माँ बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाले की जगह पर कम से कम 3 माह खड़ा बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब इसके वालदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये इनके लिए शिकार करता है और इनका पूरा ख्याल रखता है। इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। इनका मानना है कि शेर जैसा खून खवार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा नस्ली होना। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।